तुम अभी तक सोई नहीं? थक गई होगी, जाके सो, थोड़ा आराम कर लो। तुमने क्यों किया ऐसा? क्या क्या किया मैंने? एक्टिंग मत करो रवि, क्योंकि मैं सच जानती हूँ। मैंने तुम्हारी और चाची की बातें सुन ली। मुझे पता है कि तुमने मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए क्या किया है। पहले अपनी अंगूठी दे दी और फिर मेरे पूरे परिवार की बेइज्जती होने से बचाई। बस मैं इतना जानना चाहती हूँ कि क्यों इतना सब कुछ मेरे लिए क्यों किया। एक बार भी अपने बारे में नहीं सोचा। तो तुम्हारे भी तो रिश्तेदार है ना, अगर उन्हें पता चल जाता कि तुमने झूठ कहा है तो तुम्हारे लिए कितनी प्रॉब्लम हो जाती। लेकिन एक बार भी तुमने अपने बारे में नहीं सोचा, इतना सब कुछ कर दिया मेरे लिए। कोई तो वजह होगी ना। क्यों? तुमने मेरी माँ के पैर की मोच ठीक की, उनके दर्द को दूर किया, ये जानते हुए कि तुम्हारी दादी और मेरी माँ के बीच में बहुत बड़ी दुश्मनी है, फिर भी तुमने मेरी माँ की मदद की। क्यों? एक बार भी तुम्हारे दिमाग में ख्याल नहीं आया कि खुद तुम्हें जॉब की इतनी सख्त जरूरत है, फिर भी तुमने अपनी ड्रीम जॉब को मेरे लिए कुर्बान कर दिया। क्यों? कंपटीशन से पीछे हटकर उसे जिताने के लिए तुमने मेरी मदद की। एक बार भी तुम्हारे दिमाग में ख्याल नहीं आया कि तुमने अपनी लाइफ का इतना बड़ा मौका अपने हाथ से गवा दिया, इतना बड़ा सपना तुमने उसको ठोकर मार दी। क्यों? एक बार भी तुम्हारे दिमाग में इस बात का ख्याल नहीं आया? मैं जानता हूँ देवका कि तुम्हारे पास इन सवालों का जवाब नहीं है, और ठीक उसी तरह मेरे पास भी इन सवालों का जवाब नहीं है। लेकिन कुछ फीलिंग्स ऐसी होती हैं जिनको हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। और वैसे भी मेरी बचपन से आदत है कि मैं किसी के एहसानों तले जी नहीं सकता। वो क्या है ना यार, दिल में चुपता है बार बार कि किसी ने फेवर किया और उसके फेवर को वापस लौटाना है मुझे, तो बस कर दिया मैंने इसीलिए, और कुछ नहीं। वजह जो भी हो, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है जो तुमने मेरे लिए किया है, मेरे परिवार के लिए किया है रवि। उसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी, और इसीलिए आज मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अगर तुम्हारी जिंदगी में कभी भी तुम्हें एक सच्चे दोस्त की जरूरत हो, तुम किसी मुश्किल में हो, तो मुझे जरूर याद करना। मैं हर हाल में हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगी, हमेशा साथ दूंगी तुम्हारा। रवि आज तो मेरी नजरों में इतना ऊंचा उठ गए हो कि मैं चाहकर भी वहां तक नहीं पहुंच सकती। थैंक यू। प्लीज देविका, डोंट क्राई। वो क्या है ना कि जिन आंखों में सपने होते हैं ना, उन आंखों में आंसुओं की जगह नहीं होती। गलती मेरी है कि मैंने ऐसा काम ही क्यों किया कि जिसने तुमको रुला दिया। और वैसे भी देविका, तुम्हें शायद मेरे बारे में एक बात नहीं मालूम, लेकिन आज मैं तुमको बताता हूँ। वो क्या है ना, आई हेट टीयर्स रे, तो प्लीज डोंट क्राई, ओके? स्माइल। जब तुम हंसती हो तो बहुत अच्छी दिखती हो। ये चार्जर भी किसी काम का नहीं है। अच्छा, तूने मेरा चार्जर बिगाड़ दिया। मैंने नहीं बिगाड़ा है। तू रहने दे। ओहो, कुछ भी होता है मेरे पे काम लगाती है। ओहो दी, क्या बात है, को से शादी के सपने देख रही हो? बिल्कुल नहीं। और तुम दोनों सोए नहीं अभी तक? क्या कह रही है, आज का दिन ही कितना एक्साइटिंग था। मैंने तो सारे फंक्शंस बहुत एंजॉय किए, बस सिवाय एक बात की। क्या? ये साक्षी की वजह से। मैंने क्या किया? मैं रवि के साथ डांस करना चाहती थी, पर इसने मुझे जाने नहीं दिया। बहुत जेलस है ये। अरे हाय देवी जी, बताओ क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? मैंने नोटिस किया, बड़ी स्माइल में शेयर हो रही है। झूठ मत बोल, बता। अरे नहीं साक्षी, सच में, मतलब पहले तो तुझे लगा कि वो तेरा जीजू है, और जब तुझे ये पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है तो खुद ही उसे पसंद कर लिया। अरे मेरे पसंद करने ना करने से क्या होता है, वहाँ तो कितनी सारी लड़कियां थी जो उस पे लाइन मार रही थी, पर वो तो वहाँ होके भी आउट ऑफ रीच था, क्योंकि वो हमारी प्यारी देविका दी को जो देख रहा था। हाँ दी, वो तो मैंने भी नोटिस किया। साक्षी आई माँ, ये कर ली सब। साक्षी तू ना अंधेरे में तीर मत चलाया कर, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेरा अच्छा दोस्त है। इनफैक्ट उसने मेरी सगाई के बाद मुझे बहुत अच्छे से विश किया। हाँ हाँ, तो सच्चे चाहने वाले तो ऐसे ही होते हैं ना। साक्षी तू मानेगी नहीं। अच्छा अच्छा ओके, माना कि वो तेरा सिर्फ एक बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन उसके दिल में तेरे लिए बहुत खास जगह है। साक्षी तुझे स्टूपिड बातें करनी है ना, तो किसी और से जाकर कर, मुझसे मत कर। और सुन, देख
ये बहुत सीरियस बात है। ये सब बकवास जो तेरी है ना, मेरे सामने कर ली, किसी और से मत कहना। मेरी आज ही साकेत जी से सगाई हुई और बहुत जल्दी शादी भी हो जाएगी। साक्षी, मुझे ऐसे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। अरे मजाक नहीं है डार्लिंग, मैं सीरियसली डांस करते वक्त उसी को देख रही थी। वो तो तुझे देखे ही जा रहा था। और सच बताओ, वो तेरी बहुत केयर करता है। वो इसलिए क्योंकि वो एक बहुत अच्छा इंसान है, इसीलिए वो केयर करता है मेरी। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकती। मेरे लिए मेरे परिवार की इज्जत बहुत मायने रखती है। ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी जिससे मेरे अपनों का नाम खराब हो, कभी भी नहीं। इस बार भी गलती हमारी थी और तुम अचानक हम सबके सामने आके खड़े हो गए। अंगूठी तो खरीदनी थी पर हमारे पास पैसे नहीं थे, और तुमने अपनी अंगूठी हमारे हाथों में थमा दी। सच में तुम्हारे बहुत उपकार है हम पर। अभी देख, तो अभी भी उसी के बारे में सोच रही है ना? देखा, रवि का नाम लेते ही तेरी सारी यादें ताजा हो गई। मैं कह रही हूँ साक्षी, मैं 10 बार बोल चुकी हूँ, फिर से नहीं बोलूंगी। अब जाए यहाँ से, मुझे नींद आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, ऑफिस जाना है कल, फिर रवि से मिलना होगा, इसीलिए तो फ्रेश फ्रेश दिखना है ना। साक्षी तू ना बिल्कुल पागल हो गई। रवि रवि रवि, अरे हद हो गई है। देख, तुझे उसके बारे में जितना सोचना है सोच, जो करने का, मुझे इन सब चीजों से दूर रखो। जाए मेरा फोन तो लेने का, ये ले अपना फोन, चल भाग भाग भाग, जाए यहाँ से। पागल कुछ भी बोलती है। भाई रवि उठ। ओया भैया। भाई एक बात बता, रात को सोने से पहले किसी के बारे में सोच रहा था क्या तू? यार सुबह सुबह ऐसे अजीब से सवाल क्यों पूछ रहे हो आप यार? वो इसलिए कि जब मैं तुझे जगाने के लिए आया तो मैंने देखा कि मेरे प्यारे से छोटे से भाई के चेहरे पे इतनी लंबी चौड़ी मुस्कुराहट थी। चल भाई अब बता, किसके बारे में सोच रहा था तू? ये सब छोड़ो भैया, ये बताओ सुबह सुबह आपने जगाया क्यों यार? अच्छा जी, तू मेरी बात को पलट रहा है ना? खैर भाई, हमें देविका के घर जाना है। देविका के घर? हाँ। पर वो क्यों? वो इसलिए भाई, क्योंकि भाई सुबह जल्दी जाकर टेंट की सारी डेकोरेशन हटानी है, वरना ये टेंट वाले आज का रेंट भी जोड़ देंगे, डबल खर्चा हो जाएगा यार। पर भैया मैंने आपसे कहा था ना कि कल ही पैकअप करके एक ही बार निकलो, आपने मेरी बात क्यों नहीं मानी? भाई मैं क्या करता, मैंने पूरी कोशिश करी थी वर्कर्स को समझाने की, मगर वो कहने लगे कि भी इतनी देर रात हम लोग काम नहीं कर सकते। पर भैया मेरा ऑफिस में तो है ना, अगर मैं ऑफिस के लिए लेट हो गया तो मैं तुझे मना थोड़ी ना कर रहा हूँ कि तू ऑफिस मत जा, ये वाला काम निपटा ले, उसके बाद अपने ऑफिस चला जाइए। और तुझे याद है कि तूने मुझे बोला था कि तेरे वो जो नए बॉस आए हैं, क्या नाम है उनका, हाँ वो अमित जी, वो लंदन जाने वाले हैं, और तेरे ऊपर काम का इतना प्रेशर भी नहीं रहेगा। और दूसरी बात भाई ये है कि वहाँ पे वो बुढ़िया कुसट सावित्री भी होगी यार, मैं उसे अकेले हैंडल नहीं कर सकता, प्लीज चलना भाई। ये मेरा ऑफिस, उसका क्या? अच्छा जी भाई, मेरे लिए नहीं तो कम से कम तेरी वो दोस्त देविका के लिए ही सही। भाई देख, मैं तुझे पहले ही बता रहा हूँ, अगर वहाँ से आज सामान नहीं हटाना तो उसके शादी के बिल में ये सारा खर्चा जुड़ जाएगा, फिर मुझे मत बोलना कि मैं तुझे बोला नहीं। अगर ये बात है तो फिर मैं आपके साथ चलता। ओ भाई के लिए नहीं चल सकता, मगर उसके लिए चल सकता है तू, है ना?